कौन कर्म विद्या कहो कैसी, धर्म कौन फुन करेई, कौन नाम गुर जाकै सिमरै, पव सागर कौ तरेई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 632वें अंक दी गुरबाणी दे विच गुरु तेग बहादुर जी सवाल खड़ा करते हैं, केड़ी ऐसी विद्या है, केड़ा ऐसा धर्म है जिसका पालन किया जाए। अगलिया पंक्तियों के जवाब भी देते हैं, ये असी जाणांगे। इस तो अलावा चार छोटिया छोटिया कहानियों का जिक्र है, वो कहानियां केड़ियां ने, उन्हां दे विचों असी की सीखना है, ये भी इस वीडियो के राही असी जाणांगे। तो एक हैरान करन वाली गल गुरु साहब कहिंदे ने, उस गल ते यकीन करना औखा लगता है, उहदे की मायने निकलते हैं, उन्होंने समझने की कोशिश करांगे। आओ शुरू करिए। रिलीजन आउटलुक। सुरठ महला नौवां, मन रे प्रभ की शरण विचारो, जेह सिमरत गन कासी उदरी, ताको जस उर तारो रहाओ। गनका एक वेसवा सी जो धन पदार्थां दे बदले अपना शरीर वेचती सी। भाई गुरदास जी की 10वीं वार दे विच गनका दा जिक्र है। विकारां दे विच ग्रस्त यह औरत मन्नी जांदी सी। फिर एक दिन उहदे कोल एक महात्मा आउंदा है ते उहनू एक तोता दे जांदा है जो राम राम पुकारदा है। इत्थों उस औरत दे विच प्रभु दे नाम दी लगन लग जांदी है ते उहदा पूरा जीवन ही बदल जांदा है, विकारां दे विच्चों उह बच जांदी है। सो गुरु साहिब सानू भी यही समझाउंदे ने कि मन रे प्रभ की शरण विचार, कि हे मन परमात्मा दी शरण पै के उसका ध्यान धरिया कर। जह सिमरत गन कासी उदरी, जिसका सिमरन करके गनका विकारां दे विच्चों बच गई सी। जाको जस और तारो, और तारो तो भाव हिरदे विच वसाई रखो, कि उस परमात्मा की सिफत सलाह नूं अपने हिरदे विच वसा के रखो। अटल भयो त्रू जा कै सिमरन, अर निरभय पद पाया, दुख हरता एह बिद को स्वामी, तै काहे बिसराया। ये भाई जिस परमात्मा दे सिमरन दे राही ध्रुव सदा लई अटल हो गया है, ते उन्हें निरभयता दा आत्मक दर्जा हासिल कर लिया है, तू उस परमात्मा नू क्यों भुलाया होया, वो तो इस तरह दा दुखां दा नाश करन वाला है। ध्रुव किसी राजे दा पुत्र सी, उसकी मतरेई माँ सी जो उसके नाल दुरव्यवहार करती सी, बहुत तंग सी। एक दिन ऐसी लगन लगी कि सारे राज भाग तो उपराम हो के जंगल दे विच चल गया, परमात्मा की भगती विच लीन हो गया ते अटल शोभा खट गया। महत्वपूर्ण गल कि वह निरभय हो गया, प्रभु दे नाम दे विच लगन ला के निरभय हो गया। उहदी स्थिति नूं जेकर असी वेखीए कि उहदी मतरेई माँ उहदे नाल दुरव्यवहार करती है, उहनूं किसी तरीके का कोई डर सी, इस करके वह अपनी मतरेई माँ का सामना नहीं कर सकिया, उन्हों दबोल के दस नहीं सकिया कि जो तू कर रही है वह गलत है, कि तू रुक जा। पर जदों परमात्मा के नाम के लगन लगी तो वो अंदरों डर खत्म हो गया। वह डर ही सी कि मेरा की बनूंगा, जे मैं सारा कुछ छड के चल गया तो मैं गुजारा किवें करूँगा, जिहड़ा उन्हों रोकी बैठा सी। डर निकल गया, किसी चीज़ का उन्होंने कोई मोह नहीं रहा, तो चल गया। जितों तक गल है परमात्मा दे नाम की, यह ताकत की कि साढ़े अंदरों डर नूं खत्म कर देती है, तो सिख इतिहास दियाँ शहीदियों तो वड्डी उदाहरण कोई नहीं हो सकती। परमात्मा दे नाम की लगन ही सी जो सिखां नूं इन्ने तसीहे मिलन के बावजूद भी डोलन नहीं सी दिंदी। जब ही शरण गही कृपा निद, गज गराते छूटा, मेहमा नाम का।
कहां लौ बरनौ, राम कहत बंधन तह टूटा। गज हाथी नू कहा जाता है ते ग्राह तदुए। इन्हां पंक्तियां दे विच एक हाथी की कहानी का जिक्र है। वह हाथी भी दरअसल एक इंसान सी जिहड़ा शराप के कारण हाथी की जूने जा पिया सी। वह तालाब दे विच वड़दा है ते एक तंदुआ उन्हों फड़ लैंदा है। प्रभु के नाम के विच सुरत जोड़ के वह तंदुए के पंजे तो बच जाता है। जब ही शरण गही कृपा ने, कि जदों ही उन्हें कृपा के समुद्र परमात्मा का आसरा लिया, अपने आप नूं परमात्मा के आसरे छड़ दिता। गज ग्राह ते छूटा, वह हाथी तंदुए के पंजे तो बच निकलिया। महिमा नाम कहां लौ बरनौ, गुरु साहब कहिंदे मैं कित्थों तक परमात्मा के नाम की वडियाई दसा। परमात्मा का नाम उचार के उस हाथी के बंधन टुट गए। अजामल पापी जग जाने, निमख माहे निस्तारा। नानक कहत चेत चिंता मन, तै भी उतर है पारा। ये भाई, सारा जगत जानता है कि अजामल विकारी सी। परमात्मा के नाम का सिमरन करके अख दे झमकन जितने समय विच ही उहदा पार उतारा हो गया सी। नानक आखदा है, हे भाई तू सारियां चतवनियां पूरियां करन वाले परमात्मा का नाम सिमरिया कर, तू भी संसार समुंदर तो पार लंघ जाएगा। सोरठ महला नौमा, प्राणी कौन उपाओ करै। जाते भगत राम की पावै, जम को त्रास हरै रहाओ। हे भाई, मनुख ओ केड़ा हीला करे, प्राणी कौन उपाओ करै, किहड़ा हीला करे जिस नाल परमात्मा की भगती प्राप्त कर सके ते जम का डर दूर कर सके। कौन करम विद्या कहो कैसी, धर्म कौन फुन करे। कौन नाम गुर जा कै सिमरै, भव सागर कौ तरई। हे भाई दसो, वह किहड़े धार्मिक कर्म हैं, वह किहो जिही विद्या है, वह किहड़ा धर्म है जिहड़ा मनुख करे, वह किहड़ा गुरु का दसिया नाम है जिस का सिमरन करे ते वह करन दे नाल संसार समुंदर तो पार लंघ सके। कहन तो भाव कि ऐसा किहड़ा कर्म है, किहड़ा धर्म है, किहड़ा उपा है जिसनों करके मनुख अपनी जिंदगी दियां दुख तकलीफां तो बाहर निकल सके। क्योंकि दुख तकलीफां उदों तक ही होंदियां ने जदों तक असी संसार समुंदर दे विच घिरे हुए हैं, जदों तक मायक मोह दे विच बन्ने हुए हैं। जदों इहदे चों बाहर निकल जाइए, माया दे चक्कर वी उहदे विचों बाहर निकल जाइए, तां दुख तकलीफां नहीं रह जांदियां। जिंदगी दियां शरीरक परिस्थितियां नहीं बदलदियां, जिंदगी दे विच दुखदाई घटनावां फिर भी आउंदियां रहिंदियां ने, पर उह तंग नहीं करदियां, दुखी नहीं करदियां। उन्हां नूं सहण दी शक्ति साडे अंदर आ जांदी है, उन्हां नूं खिड़े मत्थे स्वीकार करन दी अकल सानूं आ जांदी है। पर ऐसा किहड़ा कर्म है जिहड़ा करिए ते इह गुण साडे विच आ सकण। कल मैं एक नाम किरपा निद, जाहै जपै गत पावै। और धर्म तां कै समनाहन, ਇਹ ਬਿਦ ਬੇਦ ਬਤਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਪੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਅਕਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਤ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਧਰਮ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਮ ਨਾਹਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵਿਦ ਵੇਦ ਬਤਾਵੈ, ਵੇਦ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਰਹਿਤ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪੀ, ਜਾ ਕਉ ਕਹਿਤ ਗੁਸਾਈ, ਸੋ ਤੁਮ ਹੀ ਮਹਿ ਬਸੈ ਨਿਰੰਤਰ, ਨਾਨਕ ਦਰਪਨ ਨਿਆਈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਧਰਮੀ ਦਾ ਖਸਮ ਆਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵੇਖੀਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਉੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਅਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀਏ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਤੁਮ ਹੀ ਮਹਿ ਬਸੈ ਨਿਰੰਤਰ, ਨਾਨਕ ਦਰਪਨ ਨਿਆਈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਨੌਵਾਂ, ਮਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹੇ ਵਿਦ ਲਖੋ ਗੁਸਾਈ, ਮਹਾ ਮੋਹ ਅਗਿਆਨ ਤਿਮਰ ਮੋਹ, ਮਨ ਰਹਿਓ ਉਰਜਾਈ ਰਹਾਉ। ਤਿਮਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਨੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮਾਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਮੋਹ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਫਸਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅਡੋਲ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਸਗਲ ਜਨਮ ਭਰਮ ਹੀ ਭਰਮ ਖੋਇਓ, ਨਹਿ ਅਸਥਿਰ ਮਤ ਪਾਈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਗਲ ਜਨਮ ਭਰਮ ਹੀ ਭਰਮ ਖੋਇਓ, ਨਾ ਅਸਥਿਰ ਮਤ ਪਾਈ, ਬਿਖਿਆਸਕਤ ਰਹਿਓ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ, ਨਾ ਛੂਟੀ ਅਦਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਸਥਿਰ ਮਤ ਤੇ ਪਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਪਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਨੀਚਤਾ ਮੁੱਕਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਬ ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਨਾ, ਨਾ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਗਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਨਾ ਹੈ ਕੋ, ਗੁਣ ਰਾਖ ਲੇ ਹੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਇਹ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ। ਇਹ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਆਖੋ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਨੌਵਾਂ, ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਬਸ ਨਾਹੇ,
निसबासुर बिखियन को तावत केह बिद रोको ताहे रहाओ। हे मां, मेरा मन मेरे काबू विच नहीं, रात दिन पदार्थां दी खातर दौड़दा फिरदा है, मैं इसनूं किस तरीके नाल रोकां। वेद पुराण सिमरत के मत सुन, निमख नाहिए बसावै, पर तन पर दारा स्यो रचियो, बिरथा जन्म सिरावै। जीव वेदा पुराणा स्मृतियां दा उपदेश सुन के भी रता भर समय लई भी उस उपदेश नूं अपने हिरदे च नहीं वसांदा, एक कन्नो सुनदा है दूजे कन थानी कढ़ दिंदा है। पराए धन पराई इस्त्री दे मोह च मस्त रहिंदा है ते इस तरह अपना जन्म व्यर्थ गुजारदा है। मद माया कै भयो बावरो, सूजत ना कश ज्ञाना, कट ही पीतर बस्त निरंजन, ताको मर्म न जाना। जीव माया के नशे विच झला हो रहा है, आत्मक जीवन बारे इनू कोई सूझ नहीं पैंदी। माया तो निर्लेप प्रभु इसके हिरदे विच ही वसदा है, पर उसका भेद यह जीव नहीं समझता। जब ही शरण साध की आयो, दुर्मत सगल बिनासी, तब नानक चेत्यो चिंता मन, काटी जम की फांसी। जदों जीव गुरु की शरण पैंदा है तदों इसकी सारी कोजी मत नास हो जाती है। तदों हे नानक ये सारिया मनोकामना पूरिया करन वाले परमात्मा नूं सिमरदा है ते इहदी जम की फाही कट्टी जाती है। सो इस दे नाल ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 632वें अंग की गुरबाणी की व्याख्या की समाप्ति होंदी है जी। अज दे अंग की गुरबाणी के विचों असीं सिख्या कि प्रभु के नाम के विच इन्नी ताकत है कि विकारी तो विकारी मनुखां नूं भी विकारां विचों कढ सकदा है। गुरु साहब ने बेसवा की एक पापी की एक तंग आ चुके नौजवान की तंदुए के पंजे च फसे हाथी की उदाहरण दिती कि किमें इन्हां फसे होयां नूं परमात्मा के नाम ने बाहर कढ़िया। गुरु साहब ने अपनी हलीमी भी दर्शाई, सानू एक ऐसी अकल भी दिती जिस नाल कि असी हंकार तो बचे रह सकते हाँ कि कदे भी अपने आप नूं ज्ञानी ना समझिए, ये ना समझिए कि मैनू सब कुछ आउंदा है, जां कोई भी सिक्ख्या साडे कोल होवे ये ना समझिए कि ये ते मैनू आउंदी है। सदा हलीमी दे विच रहिए ते याद रखिए कि परमात्मा दा नाम सिमरन ही सब तो वड्डा सब तो शक्तिशाली धर्म है। इस तो उपर ना कोई धर्म है ना कोई कर्म है, परमात्मा दा नाम ही तुहानू संसार समुद्र दीआं उलझणां चों बाहर कढ सकदा है। इत्थे ही इस वीडियो की समाप्ति करते हैं जी। बुलाओ फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।